Hi everyone, how are you all? So, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है into this #AskIIIEM प्रोग्राम के अंदर. जब भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग का कॉस्ट कौन बेयर करता है या उसका एक्सपेंसेस कौन देता है, एक्सपोर्टर देता है कि इम्पोर्टर देता है? प्लीज आंसर मी. सो दैट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम राहुल ठाकुर. उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. सबसे पहले राहुल जी, हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो उस एक्सपोर्ट के अंदर जो प्राइस आपने ऑफर करी हुई है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्लो समझिए, राइट. व्हेन यू हैव अप्रोच द बायर, तो बायर ने आपको इंक्वायरी दी हुई है. उस इंक्वायरी के अंदर उसने काफी सारी डिटेल्स दी होगी, जैसे प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होगी, प्रोडक्ट का पैकेजिंग क्या होगा. Now the packaging, right? तो यहाँ पे बायर ने आपको बोला हुआ है कि उसको 50 किलो का पीपी बैच चाहिए, उसको 50 किलो का मैश बैच चाहिए, 25 किलो का या 2-layer, 3-layer उसको मल्टी लेयर बैग चाहिए, ऊपर पेपर है अंदर प्लास्टिक है ऐसा चाहिए उसको, राइट. तो कौन सा वाला पैकेजिंग उसको चाहिए, दैट ही हैज ऑलरेडी एडवाइज्ड एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी. तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये जो इंक्वायरी उसने मुझे दी है उसके बेस के ऊपर मुझे उसको कॉस्टिंग देना होता है. तो ये जो कोटेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज इंक्लूडिंग दैट पैकेजिंग. हाँ, ये हो गया प्राइमरी पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट. अब इसका कॉस्ट आप अपनी प्राइस में इंक्लूड करते हो. एट द एंड ऑफ द डे एक्सपेंसेस तो सारे बायर ही देने वाला है, बट वो कब देगा, बाद में देगा या पहले देगा, राइट. सो दैट मैटर्स. तो यहाँ पे जब आप अपनी प्राइस दे रहे हो, जब आप उसको कोटेशन दे रहे हो, उस कोटेशन के अंदर आपने जो प्राइस दी हुई है एक्चुअली इंक्लूड्स दिस प्राइमरी पैकेजिंग. जो बायर ने बोला था वो प्राइस आपने ऑलरेडी कोटेशन के अंदर, प्राइस के अंदर डाल के दे दी है. तो वो आपका जो भी पेमेंट अब रहेगा उसके साथ वो पैसा आ जाएगा. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट की सेकेंडरी पैकेजिंग, जो बल्क पैकेजिंग होता है, जैसे कि उसका हो गया आपको पैलेट्स बनाने पड़ रहे हैं, या आप जंबो बैग्स यूज कर रहे हो, या फिर आप सीएफबी बॉक्सेस कार्टन्स या आप यूज कर रहे हो, ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा पैकेजिंग की अगर आपको जरूरत पड़ती है, बल्क पैकेजिंग सेकेंडरी पैकेजिंग की अगर आपको जरूरत पड़ती है, सो दैट इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द इनकोटर्म्स. आपका इनकोटर्म कौन सा था उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि ये बायर ये एक्सपेंसिस को देगा कि एक्सपोर्टर देगा. ये एक्सपेंसेस कौन देगा, ये इनकोटर्म के ऊपर डिपेंड होगा कि एक्सपोर्टर देगा कि इंपोर्टर देगा, राइट. सो होपफुली आई हैव क्लियर योर डाउट. लेकिन जब भी आप कोटेशन दो तो बायर के साथ पहले क्लियर कर लीजिए कि एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ पैकेजिंग. बिकॉज होता क्या है कि बायर का जैसे इंक्वायरी आता है या बायर के साथ जब नेगोशिएशन चलता होता है ना, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं. कोई भी एक्सपोर्टर पहला एक्सपोर्ट कर रहा है, पहले 2-4 कंसाइनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है. बायर ने ये बोला तो हाँ हो जाएगा, बायर ने ये बोला तो हाँ हो जाएगा. बायर के हर एक क्वेरीज को हम लोग हा 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 करते जाते हैं. बाद में पता चलता है कि उसने बोला था पहले 50 किलो का पीपी बैग का पैकेजिंग, उसने बाद में बोल दिया कि मुझे 2 किलो का 5 किलो का नैट बैग पैकेजिंग चाहिए या ये पैकेजिंग चाहिए. तो बाद में उसने बोल दिया कि मुझे ये 2 किलो का नेट बैग पैकेजिंग चाहिए. तो एक बल्क पैकेजिंग से लेकर सीधा वो अगर रिटेल पैकेजिंग पे आ जाता है, आपका पैकिंग एक्सपेंसिस ऑलमोस्ट 2-5 times पॉसिबल बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, सिर्फ हा हा करते नहीं जाना है. पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट को समझिए, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट को समझिए, उसके प्रोसेसिंग को समझिए एंड अकॉर्डिंगली उसको कोटेशन दीजिए. अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा बायर के साथ कंफर्म भी कीजिए, राइट, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक अ डील विद द बायर. सो होपफुली राहुल ठाकुर जी, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर और भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, प्लीज कॉल ऑन द गिवन नंबर, या फिर हमारा एप्लीकेशन भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप हम लोगों को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. एंड अगर डायरेक्टली कमेंट्स में डालना है तो वहां पे भी आप क्वेरी डाल सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. एंड अगर अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बढ़िया नॉलेज इस चैनल के ऊपर मिल रहा है. सो अकॉर्डिंगली वी कैन हेल्प देम एज वेल. सो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक.